हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जो आपके बालों को सफ़ेद होने से बचाएगा ही, यानी कि आपके सफ़ेद हुए बालों को काला तो करेगा ही, साथ ही साथ आपके बालों की जड़ों को मजबूती देगा, उन्हें घना भी बनाने का कार्य करेगा। आप जैसा कि देख ही रहे होंगे कि मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ किया है, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस रेसिपी को किस तरह से बनाकर तैयार करना है जिससे आपके बाल तेजी से ग्रोथ करने लग जाएं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक कॉफी का पाउच, और इसके अलावा यहाँ पे लिया मैंने 4 लौंग, और ये है फ्रेंड्स आंवला। यहाँ पे मैंने सूखा आंवला लिया है। अगर आपके पास गीला आंवला है तो आपको एक आंवला लेना है, या फिर अगर आपके पास आंवला पाउडर है तो आपको मात्र 1 चम्मच आंवला पाउडर भी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना, यानी कि इस रेसिपी की आपको किस तरह से बनाकर तैयार करना है। सबसे पहले आपको लेना है एक पैन, और इस पैन में आप इन दोनों चीज़ों को डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें कॉफी पाउडर को भी ऐड कर देना होगा। पूरा एक पाउच आप इसमें ऐड कर दीजिए, और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है ऑयल। आपको गाइस यहाँ पे लेना होगा ऑयल, किचन में यूज होने वाला आपको तेल यूज करना है। यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल, तो आपको इसमें आधी कटोरी सरसों का तेल ऐड करना होगा। तेल को ऐड करने के बाद आप इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दीजिएगा। आपको इस तेल को मात्र 5 मिनट तक ही पकाना है, लो फ्लेम पर आपको पकाना है, और जब आप इसे पकाएंगे तो आपको इसे हल्के हाथों से चलाते रहना होगा। इस तरह से आप इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लीजिए। पहले आप फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं, और जब आप देखेंगे कि इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है तो आप फ्लेम को लो भी कर सकते हैं, और जब आप इसे पकाएंगे तो आप इस तरह से कंटिन्यू इसे चलाते रहिएगा, ताकि फ्रेंड्स हमने जो इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है वो नीचे ना चिपके और अपना अच्छे से असर दिखा दें। तो इस तरह से आप इसे चलाते रहिएगा लो फ्लेम पर, आप इसे 5 मिनट तक धीमी आंच में पकने दीजिए। फ्रेंड्स इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और आप देखिए हमने जो इसमें आंवला ऐड किया था वो कैसे एकदम फूल चुका है। फूल कर फ्रेंड्स देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, एकदम बड़े साइज का। तो आपको फ्रेंड्स इसे ठंडा होने के लिए रख देना है, और दूसरा फ्रेंड्स जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसे एक डिब्बी में स्टोर करके रख लीजिए। हमने फ्रेंड्स इसमें जो आंवला ऐड किया है आपको उन्हें अलग नहीं करना है, बल्कि आपको इस तेल में आंवले के साथ ही उन्हें डालना होगा, और जब भी आप अपने बालों में लगाएंगे तो आप इसे ऐसे ही निकाल कर लगाइएगा, यानी कि जब तक ये तेल खत्म ना हो तो आपको इसमें आंवले को ऐसे ही रखना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आंवला धीरे धीरे अपना असर दिखाता है, यानी इसके अंदर जो गुडनेस है वो धीरे धीरे आपके इस तेल में ऐड होती रहेगी। तो आपको इसे बनाते ही अपने बालों में नहीं लगाना है। अगर आप इसे रात के समय बना रहे हैं तो पूरी रात के लिए ऐसे ही बनाकर रख दीजिए, और मॉर्निंग में अपने बालों में यूज कीजिए, या फिर अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हैं तो पूरा दिन ऐसे ही रहने दें और रात को अपने बालों में अप्लाई कीजिए। ऐसा करने से फ्रेंड्स इस ऑयल के अंदर इसकी गुडनेस अच्छे से आ जाएगी, जो कि आपके बालों में लगते ही आपके बालों को तेजी से पोषण देगी, मजबूती देगी, और उन्हें तेजी से घना भी बनाएगी। तो गाइस इस तेल को आप स्टोर करके रख लीजिए, और जब भी आपको अपने बालों में लगाना हो तो आप इसे अपने बालों में अप्लाई कीजिएगा। 15 से 20 मिनट की मसाज आपको अपने बालों में करनी है, और उसके बाद पूरी रात के लिए लगाकर छोड़ दीजिएगा। सुबह होने के बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसे 1-2 दिन
तक लगाकर भी रख सकते हैं। इसको लगाने से आपके बालों में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी, बल्कि आपके बाल काफी अच्छे, हेल्दी और मजबूत भी हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आप भी अपने बालों को तेजी से घना मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसका जरूर यूज कीजिएगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।